हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि कुछ बैंक प्राइवेट नहीं होंगे। हाँ, नीति आयोग ने बोला है कि 6 पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे हैं जिनको प्राइवेट नहीं किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कौन से बैंक हैं जो सेफ हो गए हैं और उनका कंसोलिडेशन का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, तो आइए नज़र डालते हैं। तो ये बैंक हैं पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेचुरल है, जब ये बैंक सेफ हैं तो इनमें मर्ज होने वाले बैंक भी सेफ होंगे, तो आइए उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक आपस में कंसोलिडेशन कर रहे हैं। सिंडिकेट बैंक का कंसोलिडेशन प्रोसेस कैनरा बैंक के साथ है। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इसका मतलब ये हुआ कि कंसोलिडेशन की वजह से ये बैंक भी बच जाएंगे जिनका कहीं ना कहीं मर्जर हो रहा है। अब बात करते हैं उन बैंक्स की जो कि होंगे निशाने पर, जिनका अभी कोई भी कंसोलिडेशन प्रोसेस नहीं कर रहा है, जिनका कोई भी मर्जर प्लान अभी नहीं चल रहा है, तो आइए उन चारों बैंकों को देखते हैं। ये बैंक हैं महाराष्ट्र बेस्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो नाउ वी कैन से दीज 4 बैंक्स विल बी टारगेटेड फॉर बैंक प्राइवेटाइजेशन। सो लेट्स प्रे टू द गॉड फॉर दीज बैंक्स, for benefit of the farmers, for benefit of the poor people, for benefit of the rural and semi-urban areas, for benefit of the bank employees, for generation of new employment. We are against bank privatization. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.